हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। So today is 5th September and we are celebrating Teachers Day all over India. आज का ये दिन mainly Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the second President of India, उनकी याद में मनाया जाता है और उनकी बर्थ सेनेटरी जो कि 5th September 1888 है उसको कॉमेमोरेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी दुनिया में भी जो है टीचर्स डे मनाया जाता है। इसी तरह यूनेस्को ने 1994 में वर्ल्ड टीचर्स डे और इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को एक दिन जो है टू कमोरेट द एफर्ट्स ऑफ टीचर्स 5 अक्टूबर को बनाया। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सीरीज और आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट साइंस और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नारायण सरोवर सेंचुरी इज फेमस फॉर। ऑप्शंस आर वन हॉर्न राइनो, सिंकारा, लायंस एंड टाइगर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिंकारा। नारायण सरोवर सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन गुजरात, इट इज़ फेमस फॉर सिंकारा। अपार्ट फ्रॉम दैट वन हॉर्न राइनो, यू नो काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज इन आसाम इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो एंड द लायंस। सो आपको पता होना चाहिए कि एक ही जगह है जहाँ पर अभी लायंस पाए जाते हैं, वो है गिर सेंचुरी इन गुजरात। इसके अलावा जो है लायंस को शिफ्ट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में भी। नेक्स्ट टाइगर्स, सो आपको पता होगा रॉयल बंगाल टाइगर जो कि फेमस स्पीसीज है सुंदरबन की। सो आपको ये चारों ऑप्शंस इस तरीके से जानना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच Among the following gas is used as a reference to calculate global warming potential. Options are carbon dioxide, methane, ozone and nitrogen dioxide. So the correct option is carbon dioxide. Apart from that, पहले आप ये जान ले what is global warming potential. So global warming potential क्या होता है? Global warming potential is defined as the heat observed by greenhouse gas in atmosphere as a multiple of the heat that would be absorbed by the same mass of CO2. So mainly ये एक heat absorbed का बात है जो कि carbon dioxide को reference रख के calculate किया जाता है। So answer is carbon dioxide. Next चले आते हैं हमारे next question में। यहाँ का option आप अगर देखना चाहते हैं तो ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैस में ये मीथेन आप देख रहे हैं, ओजोन जो कि बहुत ही हेल्पफुल है जो यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ये गैसेस होते हैं ये हार्मफुल्स हैं फॉर, ये मेनली काम आते हैं हमारे एयर पोल्यूशन में, ये हार्मफुल गैसेस में हैं। चलिए चलाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन। ये ऑप्शंस आर भावनगर, जामनगर, मुंबई, पुंडिचेरी। सो इन 2011 जो उस टाइम के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जो भी थे उनका नाम था जयराम रमेश, उन्होंने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एक फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इनोग्रेट किया था जामनगर में। ये मेनली रिलायंस जो है इस प्राइवेट पार्टनरशिप में आया और ये कोस्टल रेगुलेशन एरिया को सेव करने के लिए मेनली नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी बनाया गया। नेक्स्ट चले आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फोर्थ क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर इज नोन एज बोथ सोर्स एंड सिंक फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज बाई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। योर ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड। सो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स ओनली 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 एंड 1, 2 एंड 3।
सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज 1, 2 एंड 3। ये सारी चीज़ जो हैं मेनली जो है ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं जो कि आपको एग्रीकल्चर से जनरेट होते हैं। सो आपको याद रखना है कि ये किस तरीके से जनरेट होते हैं। सो आप जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होता है ड्यूरिंग सॉइल कल्टीवेशन, मीथेन जो कि रिलीज होता है कैटल एंड लाइफ स्टॉक मैन्यूर से, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि आता है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर से। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। विथ कहाँ से आता है ये भी आपको याद रखना है। चल आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री कैटेगराइज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन टू डिफरेंट जोन्स इन वेक ऑफ COVID-19। उन जोन्स का नाम आपको बोलना है। तो यहाँ पर आपको ये सिंपल क्वेश्चन है, रीसेंट क्वेश्चन है। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 जोन्स बनाए गए थे। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। रेड जोन जो कि जहाँ पर मेनली जो है सबसे ज़्यादा पेशेंट और COVID-19 का जो छाप था वहाँ पर है। बफर जोन में आ जाते हैं, उसके बाद वाला बफर जोन है जिसमें ऑरेंज जोन है, और जो जहाँ पर बहुत ही कम केसेस है वो ग्रीन जोन है। चलाते हैं 5th के बाद 6th क्वेश्चन पे। एसिड रेन इज कॉज बाई पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट बाई, ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द करेक्ट ऑप्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक्चुअली आपको पता होगा कि एसिड रेन जो है इसके वजह से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर इज वॉट, जो मार्बल्स की फेमस बिल्डिंग्स है वो एसिड रेन की वजह से डैमेज हो जाती हैं, इस वजह से इसे स्टोन कैंसर बोलते हैं, और वो एसिड रेन की वजह से होता है। ये मेनली सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से होती है। चलाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, द 7th क्वेश्चन। द ग्राउंड वाटर इन बंगाल बेसिन इज मोस्टली कॉन्टामिनेटेड बाई, ऑप्शंस आर क्रोमियम, लीड, आर्सेनिक एंड कैडमियम। द करेक्ट आंसर इज आर्सेनिक। आपको पता होगा कि बंगाल बेसिन के बहुत सारे जो एरियाज हैं और उन एरिया में जो वाटर पाया जाता है वो मेनली कॉन्टामिनेटेड है आर्सेनिक के वजह से, इसलिए वो पानी पीने के लायक नहीं होता। बट यहाँ से आपको और ऑप्शंस को भी देखना है। यहाँ पर आप देखें कि लीड की वजह से भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, लीड पॉइजनिंग जो कि बहुत ही डेंजरस है लीड पॉइजनिंग। सिमिलरली कैडमियम की वजह से इटाई इटाई डिजीज़ होता है, अगर आपको पता हो तो आप नोट कर लें, वरना इटाई इटाई डिजीज़ कैडमियम की वजह से होता है। क्रोमियम की वजह से भी इम्यून डिजीज़ होते हैं। सो चलाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेवी मेटल पॉल्यूशन ऑफ आर कॉज्ड बाय मेनली डोमेस्टिक सीवेज, वुड बर्निंग, एसिड प्लांट्स एंड पेंट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डोमेस्टिक सीवेज। सो हेवी मेटल पोल्यूशन जो कि मेनली इंडस्ट्रीज से जो वाटर आता है उसके वजह से होता है, और ये डोमेस्टिक सीवेज की वजह से होता है हेवी मेटल पोल्यूशन। इसके अलावा वुड बर्निंग दैट कॉज्ड एसिड, वुड बर्निंग मेनली कॉजेज द एयर पोल्यूशन। आपको पता होगा द क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा दैट कॉज्ड एसिड एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। सिमिलरली एसिड प्लांट्स, सो ये गलत ऑप्शन है, और पेंट्स जो कि मेनली यूज किया जाता है हमारे जो आयरन में जो रस्ट लग जाता है उससे, उसको बचाने के लिए पेंट्स और वार्निशेस का यूज किया जाता है। चलाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, अल्गी, वायरस एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इन लोगों को मेनली बैक्टीरिया के ज़रिया हम लोग डिफरेंट जो फ़ायदेमंद यूजफुल चीज़ हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जानना है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो मेनली उसमें हमारे पास जो है ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं, और इस ऑर्गेनिक मैटर को जब बैक्टीरिया के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये सिंपली ब्रोक हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में।
जो कि मेनली कंपोस्टिंग में काम आता है। सो ये आपको याद रखना है। चल आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। शार्क टैंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? चूँकि ये रीसेंट है तो ये आपको याद रखना होगा, ये न्यूज़ में चल रही है। शार्क टैंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड इन भूटान, जो कि मेनली चाइना इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फंडिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है और ये ईस्टर्न भूटान में है। तो आपको याद रखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश के करीब है और भूटान के ईस्टर्न पोर्शन में है। सो आज का ये सीरीज यहीं पर ख़त्म होता है। चलाते हैं हमारे जो प्रीवियस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उसके आंसर्स को हम बता देते हैं आपको। सो द प्रीवियस डेज आंसर्स आर इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, उत्तर प्रदेश, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग एंड द हेल्थ बॉडी एंड हेल्थ माइंड। चलाते हैं हमारे आज के क्वेश्चन में। सो ये आपको आंसर करना है कमेंट में। क्वेश्चन सेज, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ड्यू टू पुअर हेल्थ। ऑप्शंस आर यूरिको कोकी, हितोशी असीडा, योशिकी नोडा, शिंजो एबे। द ब्लैक पैंथर एक्टर पास्ड अवे आफ्टर 4 ईयर बैटल विथ कोलोन कैंसर। आपको उनका नाम बताना है। माइकल बी जॉर्डन, डैनियल कुलुआ, सैडविक बोसमैन, लेटिटा राइट। द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज हेल्ड ऑन विच डे। ऑप्शंस आर 20 अगस्त, 21 अगस्त, 27 अगस्त, 29 अगस्त। द फोर्थ क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट बॉलर इन क्रिकेट टू स्कैल्प 500 विकेट्स इन T20 मैचेस। ऑप्शंस आर सुनील नारायण, ड्वेन ब्रावो, लसित मलिंगा, इमरान ताहिर। द लास्ट क्वेश्चन इज, प्रतीक्षा मरीन एम्बुलेंस बोर्ड्स हैव बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। सो आपको इनका आंसर कमेंट में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू मैनी नीडी स्टूडेंट्स।